मच्छिंदर बेटा, मच्छिंदर बेटा, मच्छिंदर चल खाना खा ले। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है, परंतु क्यों? क्या हुआ तुम्हारी भूख को? कल शाम को भी तुमने कुछ नहीं खाया। बेटा चल आजा, खाना खा ले। नहीं माँ, जब तक आप मेरी वो बात नहीं मानेंगे, मैं खाना नहीं खाऊंगा। कौन सी बात बेटा मच्छिंदर? मैंने तो आज तक तुम्हारी हर बात मानी है। माता, आपको अच्छी तरह ज्ञात है कि मैं किस प्रकार का भोजन करता हूँ, फिर भी आपने कल शाम के भोजन में मुझे मछलियाँ क्यों दी? और अब भी आप वही भोजन खिलाएंगी ना? ये गलत है माता, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बेटा, इसमें बुराई क्या है? हम तो मछुआरे हैं, हमारा तो व्यवसाय समुद्र से मछली पकड़ना व खाना है। हमारी तो कई पुश्तें यही करती आ रही हैं। अगर ये कार्य गलत होता तो उन्होंने बंद क्यों नहीं किया? अब तुम ही बताओ। माता, ये आवश्यक नहीं होता कि हमारी पिछली पीढ़ी जिस कार्य को कर रही हो वो सही हो और हम उसे आगे भी करते रहें। अगर हम मछलियाँ पकड़ना व खाना बंद कर दे तो हमारी अगली पीढ़ी भी इस पाप से बच जाएगी। ये जीव हत्या है माता। ये जीव हत्या है तो हम क्या खाएं? तुम ही बताओ, हम क्या खाएं? इस तरह तो हम भूखे ही मर जाएंगे। माता, क्या संसार के सभी लोग मछलियाँ ही खाते हैं, या फिर जो मांस नहीं खाते वो भूखे मर जाते हैं? हम शाकाहारी बनकर भी आराम से जीवन जी सकते हैं माता। तू तो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझने लगा, जो मुझे ही उपदेश देना शुरू कर दिया। दो दिन भूखा रहेगा तो अपने आप होश ठिकाने आ जाएंगे। मैं भी देखती हूँ कितने दिन रहती है तुम्हारी ये कड़। आखिर में खानी तो तुम्हें मछलियां ही पड़ेंगी। हाँ, कितने आदमी जा रहे हैं तुम्हारे साथ? आदमी यही कोई 15-20 आदमी तो हो ही जाएंगे, बाकी कुछ लोग दूसरे गांव के हैं। कुल मिलाकर 30-40 आदमियों का दल तो बन ही जाएगा। अपने यहाँ समुद्र में क्या कम मछलियां हैं जो आप इतनी दूर जा रहे हो? मेरा क्या मन लगेगा आपके बिना? मन तो हमारा भी नहीं लगेगा सारदत्ता, पर क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा। अब अपने यहां की ही ले लो, पूरे दिन समुंदर में खाक छाननी पड़ती है, तब जाकर क्या हो गया, थोड़ी बहुत मछलियां मिल गई। लेकिन सारदत्ता, हम जिस जगह जा रहे हैं ना, हाँ हाँ, वहाँ बहुत बड़ा समुंदर है। अच्छा? हाँ, और मछुआरे भी बहुत कम जाते हैं। लगता है अब की बार वहाँ से हमें अच्छी मछलियाँ मिलेंगी। फिर तो बहुत अच्छा है स्वामी। मैं तो सोच रहा था सारदत्ता, कि क्यों ना मच्छिंदर को भी अपने साथ ले जाऊं, पर सोचा कि अभी बच्चा है और वैसे भी वापिस लौटने में हमें 10-15 दिन लग जाएंगे। हाँ, सो तो है। अब पता नहीं तुम्हारे बिना इसका मन लगेगा या नहीं। सुनो स्वामी, मुझे तो कभी कभी मच्छिंद्र को लेकर बड़ी चिंता होती है। चिंता? चिंता किस बात की?
सुनो स्वामी, ये पलभर तो हम मछुआरों के कुल में रहा है, लेकिन इसके लक्षण बिल्कुल अलग तरह के हैं। अलग तरह के? हाँ हाँ, ना ही ये कभी अन्य बच्चों में खेलता है, सारा दिन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता रहता है। और न ही आज तक इसने मछली का सेवन किया है। तुम भी सारदत्ता, छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा कर देती हो, और क्यों बेकार में चिंतित होती हो? अभी पुत्र मच्छंदर में बचपना है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं चलता हूं। तुम अपना ध्यान रखना, और हाँ, मच्छिंद्र को भी समय पर ठीक प्रकार से खाना खिलाना। जी स्वामी। बेटा मच्छिंद्र। जी बापू। बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जा रहा हूँ, लौटने में 15-1 दिन लग जाएंगे। तुम अपना ख्याल रखना बेटा, और हाँ, अपनी माता को तंग मत करना। जी बापू, प्रणाम। जीते रहो बेटा। मच्छिंद्र, भोजन तैयार है, आकर खा ले। आपको तो पता है माता, जो भोजन आपने बनाया है मैं वो नहीं खाऊंगा। फिर आप क्यों मुझे बार बार भोजन की कह रही हैं? तो मत खा, किंतु जो भोजन तुम्हें चाहिए वो तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी। जैसी आपकी इच्छा माता।
बड़ा आया शाकाहारी भोजन करने वाला, तू तो मछलियों को भी फाड़ फाड़ कर खाएगा। मछलियाँ नहीं खाऊंगा माता, देखती हूँ कितने दिन और नहीं खाएगा मछलियाँ। 4 दिन में होश ठिकाने आ जाएंगे तेरे। हाँ क्या बात है माता, आप बहुत परेशान लग रही हैं। देख बेटा, आज तुझे बिना कुछ खाए 15 दिन हो गए। मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ, तू थोड़ा खा ले। वही भोजन माता, मांस मछलियाँ जो आप मुझे पिछले 14 दिनों से खिलाना चाहती हैं। अगर मुझे वो भोजन खाना होता तो उसी दिन नहीं खा लेता। इतने दिन भूखा रहने की क्या आवश्यकता थी। तुम्हारे जैसा जिद्दी बच्चा तो पूरी पृथ्वी पर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। माता, तुम्हारे जैसी जिद्दी माँ भी शायद इस पृथ्वी पर कोई होगी जो अपनी जिद के लिए अपने पुत्र को 15 दिन तक भूखा रखे। माता, तुम्हारे इस बलिदान को मैं प्रणाम करता हूँ। अरे स्वामी आ गया। हाँ सारदत्ता। अरे बेटा मच्छिंदर, बेटा मच्छिंदर, क्या हुआ तुम्हें? ये तुम इस तरह बिस्तर में, क्या हुआ सारदत्ता मच्छिंदर को? बोलो सारदत्ता, चुप क्यों हो? क्या हुआ बेटा मच्छिंदर, तुम बताओ। कुछ नहीं बापू, आपके जाने के बाद माता ने लाड़ दुलार कुछ ज्यादा ही कर लिए और हर दिन मुझे मेरा मनपसंद भोजन भर पेट खिलाती रही, जिसका ये परिणाम हुआ है बापू। लगता है माता के लाड़ दुलार को किसी की नजर लग गई। ये तुम क्या कह रहे हो मच्छंदर, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तुम चुप क्यों खड़ी हो सारदत्ता? अरे बेटा मच्छिंदर, तुम्हारा शरीर तो बहुत गर्म है, तुम्हें तो तेज जवर है। तुम ठहरो बेटा, मैं अभी वैद्य को बुलाकर लाता हूं। मैं अभी लाता हूं बेटा। आइए आइए वैद्य जी, आइए। ये है मेरा बेटा मच्छिंदर।
क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं वैद्य जी। क्या हुआ वैद्य जी? आप चुप क्यों हैं वैद्य जी? मैं पूछता हूं क्या हुआ? आश्चर्य, इसका पेट तो बिल्कुल खाली है। ऐसा प्रतीत होता है मानो इसने कई दिनों से खाना नहीं खाया। खाना नहीं खाया? ये आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? आप तनिक फिर से देखिए, खाना तो हम हर रोज खिलाते हैं मच्छेंद्र को। जी नहीं कामिक भैया, मैं सत्य कह रहा हूं। काफी दिनों से बच्चे के पेट में कुछ नहीं गया। जिससे इसको बहुत कमजोरी आ गई है। क्या? हाँ, मुझे तो आश्चर्य इस बात से है कि ये अभी तक जीवित कैसे है। आप पहले बच्चे को भर पेट भोजन कराइए। मैं ये कुछ औषधि दे रहा हूं जो दिन में दो बार देते रहना। अच्छा, फिर कोई परेशानी हो तो मुझे अवश्य बताना, मैं चलता हूं। सारदत्ता! हाँ? हमें स्पष्ट बताओ सारदत्ता की सच्चाई क्या है, वरना तुम मेरे क्रोध को अच्छी तरह जानती हो। स्वामी, मुझे क्षमा कर दो। स्वामी, क्षमा कर दो, इस सब के लिए मैं ही जिम्मेवार हूं। मच्छेंद्र ने भोजन में मछलियां खाने से मना कर दिया था। मैंने भी इसकी जिद तोड़ने के लिए पिछले 15 दिनों से अन्य कोई भोजन नहीं दिया। सारदत्ता, ये तुमने क्या किया? एक नन्ही सी जान पर इतना अत्याचार करते तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई? हे भगवान, क्या कोई माँ इतनी विकुलता हो सकती है जो अपने पुत्र को 15 दिनों तक खाना ना दे? अगर इसे कुछ हो जाता तो सारदत्ता! मुझे क्षमा करें स्वामी, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। मैं अभी मच्छेंद्र को इसकी इच्छा का भोजन बनाकर खिलाती हूँ। हाँ, अभी भोजन बनाकर खिलाती हूँ। शारदत्ता, मैं सोच रहा था कि आज मछलियां पकड़ने के लिए क्यों न पुत्र मच्छेंद्र को साथ ले जाऊं। तुम्हारा क्या विचार है? जैसी आपकी इच्छा स्वामी। और वैसे भी पूरा दिन मच्छेंद्र घर पर बहुत उदास रहता है। तुम्हारे साथ तालाब पर जाएगा
तो इसका मन भी बहल जाएगा। मैं अभी मच्छिंद्र को बुलाती हूँ। बेटा मच्छिंद्र, बेटा मच्छिंद्र, बेटा मच्छिंद्र। आया माँ। आपने मुझे बुलाया माँ? हाँ बेटा, तुम्हारे बापू तालाब पर मछलियां पकड़ने जा रहे हैं, क्या तू भी जाएगा उनके साथ? तुम भी साथ दत्ता, जाएगा क्यों नहीं, आखिर बेटा किसका है। क्यों मच्छिंद्र, चल आज तो मैं तुझे मछलियां पकड़ना सिखाता हूँ, चल आ जा मेरे साथ। चलो बापू। अरे सुनो जी, सुनो। ओहो, ये तुम्हारी माँ भी ना। सारदत्ता, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि जब हम कहीं जा रहे हों तो पीछे से आवाज नहीं लगाते, अशुभ होता है ये। जी मैं तो कह रही थी कि आज जरा जल्दी लौटाना, कहीं मेरा बेटा भूखा ना मर जाए। आज शाम को मैं मच्छिंद्र को खीर बना के खिलाऊंगी। हो गया, अब जाएं। आप पीना। चल बेटा। बेटा मच्छिंद्र, तुम तनिक यहीं बैठो, मैं तालाब में जाल डालता हूं। देखो मच्छिंद्र, ऐसे पकड़ते हैं मछलियां।
अरे धीरे से। ये बात तुम यहीं रहना, मैं और लाता हूं। आज तो ये टोकरी भरकर ही ले जाएंगे। बचाओ भगवान, वरना हम तड़फ तड़फ कर मर जाएंगे। हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। हमारी रक्षा करो भगवान। हमें बचाओ भगवान। तुम तनिक भी चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं मरने दूंगा। मैं तुम्हें अभी पानी में डालता हूँ। अभी और लाया हूं मच्छिंदर हैं? अरे बेटा मच्छिंदर, पहले जो मछलियां टोकरी में थी वो कहां गई? बापू, वो तो मैंने वापस तालाब में छोड़ दी। कोई बात नहीं बेटा, अब की बार इनको तालाब में मत छोड़ना हैं? बचाओ भगवान। बिना पानी के हमारे प्राण निकल जाएंगे। हमें बचाओ भगवान, हम मर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मेरे बापू ने तो इनको
तालाब में छोड़ने से मना किया है, लेकिन मैं इन्हें ऐसे तड़पता हुआ भी तो नहीं देख सकता। आखिर मैंने भी तो मछली की कोख से ही जन्म लिया है, अतः ये मेरी माता हुई और एक पुत्र अपनी माता को इस तरह मरता हुआ नहीं देख सकता। मैं इन्हें वापस जल में छोड़ देता हूँ, हाँ ये ही ठीक रहेगा। बड़ी मुश्किल से मिली है। अरे मच्छंदर, टोकरी में जो मछलियां थी वो कहां गई? बापू, वो तो मैंने फिर से तालाब में छोड़ दी। फिर से तालाब में छोड़ दी? परंतु क्यों? मैंने तुझे मना किया था ना। लेकिन बापू, वो जल से बाहर रहती तो तड़फ तड़फ कर मर जाती, इसलिए ही मैंने उन्हें वापस तालाब में छोड़ दिया। तालाब में छोड़ दिया? अरे मूर्ख, तुम्हें पता है कि कितनी मेहनत से मछली पकड़कर लाता हूँ, और तू है कि उन्हें उठा उठा कर तालाब में डाल देता है। अगर तू ऐसा करता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। पेट भरने के लिए तो इन्हें मारना ही पड़ेगा। लेकिन बापू, ये तो जीव हत्या है, और पेट भरने के लिए मछलियां मारना ही एकमात्र उपाय नहीं है। हम अनाज, चावल, दूध, फल खाकर भी अपनी भूख मिटा सकते हैं। इस तरह किसी जीव जंतु को मारकर खाना घोर पाप है। फिर चाहे मछलियां हो या फिर अन्य कोई जीव, ये सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है बापू। अगर ये सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है तो शेर भी न जाने कितने जीव जंतुओं को मारकर खाता है। और शेर ही नहीं बल्कि चीता, लोमड़ी, लगड़ बग्गा, गिद्ध आदि, ये सभी भी तो मांस ही खाते हैं। और छोड़ो, ये बुगला ही देख लो, ये भी तो मछलियां खाता है। क्या ये सृष्टि के नियमों के विरुद्ध नहीं है? और न जाने कितने ही जानवर ऐसा करते हैं। लेकिन बापू, वो जानवर है, इंसान नहीं। और आप शायद ये भूल रहे हैं कि आप जानवर नहीं, इंसान हैं। अगर शेर, चीता आदि कुछ अन्य जानवर जीव को मारकर खाते हैं तो ये सृष्टि के नियमों की परिधि में आता है।
क्योंकि भगवान ने उनकी संरचना ही इस प्रकार की है। उनके हाथ की जगह पंजे दिए हैं ताकि वो शिकार कर सकें। मांस खाने के लिए बड़े दांतों का मजबूत जबड़ा दिया है। इसके विपरीत मानव की संरचना पूर्णतः शाकाहारी है। हमारे न तो बड़े बड़े पंजे हैं और न ही लंबे दांत, तो फिर हम मांसाहारी कैसे हो सकते हैं? बताओ बापू, भगवान ने इंसान को हाथ दिए हैं, इतनी बुद्धि दी है कि वो अन्य किसी भी प्रकार आसानी से पेट भर सकता है। बापू, जिस मानव शरीर में आप इस पृथ्वी पर खड़े हैं, ये इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता। इसको प्राप्त करने से पहले मनुष्य को 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है, अर्थात हमारे जीव जंतुओं के रूप में 84 लाख बार इस धरती पर जन्म होते हैं और फिर हमें मानव जीवन प्राप्त होता है। इस मानव जीवन में ही मनुष्य ईश्वर भक्ति व अच्छे कर्म कर जीवन मरण से छुटकारा पाकर मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, अन्यथा हमें फिर 84 लाख योनियों में जन्म लेने पड़ते हैं। अतः बापू, आपको जो दुर्लभ मानव देह प्राप्त हुई है, इसका महत्व समझो। यू किसी जीव को मारकर पाप का भागी मत बनो। मच्छंदर, मैं तुम्हारे ये उपदेश सुन सुनकर तंग आ गया हूं, और मेरे ऊपर तुम्हारी इन बड़ी बड़ी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। मैं इस टोकरी में अब की बार मछलियां डालकर जा रहा हूं। अगर तुमने इन्हें फिर तालाब में छोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? बड़ाया उपदेश देने वाला, तुम्हारे जैसे इंसान अंत में भिक्षा मांगकर खाते हैं, भिक्षा मांगकर। मछलियां मत मारो, मुझे ही समझाने लगा, बड़ाया। तो ठीक है बापू, ये मच्छंदर भी आपको वचन देता है कि आज के बाद मैं खाऊंगा तो केवल भिक्षा मांगकर ही, और वैसे भी तुम्हारे जैसे पापी अधर्मी के साथ रहने से भिक्षा मांगकर खाना कहीं बेहतर होगा। चलियो, मैं तुम्हें अब की बार फिर तालाब में छोड़कर जा रहा हूँ। आगे तुम्हारा भाग्य। Thank you.
स्वामी, आपने व आपकी पत्नी शारदत्ता ने मुझे अपने पुत्र से भटकर जो लाड प्यार दिया, मैं उसके लिए आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। मैं इसके लिए सदा आपका ऋणी रहूंगा। मृत्यु के पश्चात आप दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हो। प्रणाम। अरे बेटा मच्छिंद्र कहाँ चला गया? ये टोकरी भी खाली है, कहाँ गया होगा? मच्छिंद्र, बेटा मच्छिंद्र, बेटा मच्छिंद्र कहाँ हो तुम? आसपास दिखाई भी नहीं दे रहा। मुझे लगता है मेरा डांटना उसे अच्छा नहीं लगा, इसलिए घर चला गया होगा। लेकिन है बड़ा जीती, अब भी मछलियां तालाब में डाल कर गया है। चलो घर चलकर पहले उसी की खबर लेता हूं, सारी मेहनत पर पानी फेर गया। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, तीन बार मछलियां पकड़ी थी, तीनों बार वापस पानी में डाल दी। क्या हुआ? ये अपने आप किससे बातें कर रहे हो? किसने डाल दी मछली पानी में? अरे तुम्हारे लाल मच्छिंद्र ने, और किसने? बड़ा विद्वान समझता है ना अपने आप को वो। अरे हम तो जैसे गाय भैंस है, गाय भैंस। परमात्मा ने हमारे अंदर भी तो भेजा दिया है, अब बुला उसको। अंदर क्यों बैठा रखा है? अंदर बैठा रखा है, लेकिन स्वामी वो तो आपके साथ गया था। हाँ हाँ, लेकिन वहां से तो काफी समय पहले ही वो यहाँ आ चुका है, जल्दी बुला उसको बाहर। नहीं स्वामी, वो तो यहाँ नहीं आया। यहाँ नहीं आया? हाँ। तो फिर कहाँ गया? लेकिन स्वामी, आपने उसे अकेला जाने ही क्यों दिया? अवश्य ही आपने उसे गुस्से में कुछ उल्टा सीधा कहा होगा। अरे कहता नहीं तो क्या अपने सिर पे बैठा लेता उसे? इतनी मेहनत से तो मछलियां पकड़ी थी, और उसने उठाकर उन्हें वापस तालाब में डाल दिया, और ऊपर से मुझे ही शिक्षा देने लगा कि मछलियां मारना पाप है। अब मुझे क्या पता था
कि मेरा डांटना उसे इतना बुरा लगेगा। लेकिन आपने उसे डांटा ही क्यों? हे भगवान, अब पता नहीं क्या होगा, कहां गया होगा मेरा बेटा। सारदत्ता, ये तुम छोटी छोटी बातों पे रोने लगती हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब इसमें रोने की कौन सी बात है? ओहो, अब चुप भी करो सारदत्ता, यही खेल रहा होगा कहीं गली में। ये छोटी छोटी बातों पे रोया मत करो। स्वामी, आपको ये छोटी बात लगती है? तुम क्या जानो माँ की ममता क्या होती है, कितनी मुश्किलों से पाला है मैंने उसे। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तो जीवित नहीं बचूंगी स्वामी, नहीं बचूंगी। अरे बस भी करो सारदत्ता, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मच्छंदर मेरा कुछ लगता ही नहीं। तुमसे कहीं ज्यादा प्यार करते हैं हम अपने मच्छंदर को, और मच्छंदर के बिना क्या मैं जिंदा रह पाऊंगा सारदत्ता। तुम चुप हो जाओ सारदत्ता, मैं अभी उसे ढूंढ कर लाता हूँ। तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा सारदत्ता, सब ठीक हो जाएगा। स्वामी, स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी मच्छंदर को ढूंढने, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं सारदत्ता, तुम घर पर ही रहना, और क्या पता मच्छंदर घर पर ही आ जाए तो तुम मुझे बता देना सारदत्ता। हाँ स्वामी, ये आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, मैं अकेला ही काफी हूँ उसे ढूंढने के लिए। तुम बता देना सारदत्ता, मच्छंदर घर पर आ जाए तो मैं भी ढूंढ कर लाता हूँ। जाओ मेरे राजा। मच्छंदर, बेटा मच्छंदर, मच्छंदर बेटा कहां हो तुम? कहां चला गया, कहां ढूंढूं उसे? बेटा मच्छंदर कहां हो तुम? कहां ढूंढूं उसे?
क्या हुआ कामिक भैया, बड़े परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? वो क्या बताऊं रामदीन भैया, मेरा बेटा मच्छिंदर पता नहीं कहां चला गया। क्या तुमने कहीं देखा उसे? नहीं भाई, मैंने तो नहीं देखा, खेल रहा होगा इधर उधर कहीं। अरे नहीं, खेल रहा होता तो बात ही क्या थी। बेटा मच्छिंदर, बेटा मच्छिंदर लौट के आ जाओ बेटा। बेटा मच्छिंदर लौट के आ जाओ बेटा, लौट के आ जाओ बेटा। मुझे अक्षमा कर दे बेटा, मुझे अक्षमा कर दे। और एक बार लौट कर आ जा बेटा, एक बार लौट कर आ जा। मैं तुझ पर कभी क्रोध नहीं करूंगा मेरे लाल, कभी क्रोध नहीं करूंगा। और तू जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूंगा बेटा। आज के बाद मैं अपने जीवन में कभी मछलियां भी नहीं पकड़ूंगा बेटा, कभी मछलियां नहीं पकड़ूंगा। तू एक बार लौट के आ जा बेटा, लौट के आ जा मेरे लाल, लौट के आ जा। मेरे बिट्टुआ, तेरे बिन हुआ मेरा बुरा हाल रे, बुरा हाल रे। ओ मेरे बिटुआ मेरे लाल रे, तेरे बिन हाल रे, बुरा हाल रे। ओ मेरे बिटुआ, बड़ी मुश्किल से मैंने पाया था तुझको, बड़ी मुश्किल से मैंने पाया था तुझको। देखे जुदाई चोट क्यों मारी मुझको, क्यों मारी मुझको। मैं हूँ अभागा, प्रेम का वो धागा तोड़ा क्यों मेरे लाल रे। तेरे बिन हुआ मेरा बुरा हाल रे, बुरा हाल रे। ओ मेरे बिटुआ मेरे लाल रे, तेरे बिन हुआ
मेरा बुरा हाल रे बुरा हाल रे ओ मेरे बिट्टुआ। भटक भटक के मैं तो तुझको पुकारूं, भटक भटक के मैं तो तुझको पुकारूं, धरूं कैसे धीर कैसे मन को मैं मारूं, मन को मैं मारूं, टूट गई हिम्मत मेरी ये किस्मत है तेरे संग मेरे लाल रे, तेरे बिन हुआ मेरा बुरा हाल रे बुरा हाल रे ओ मेरे बिट्टुआ मेरे लाल रे, तेरे बिन हुआ मेरा बुरा हाल रे बुरा हाल रे ओ मेरे बिट्टुआ। Hey।